Is it true to say that the mean median mode of a group data will always be different? ठीक है, किसी group data का mean median mode हमेशा क्या होगा? Different होगा. कह रहा justify your answer. तो सुनिए बच्चों, mean median mode किसी group data का same हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ये always true नहीं है. ये depend करता है कि type of the data क्या है. Type of the data, ये data कैसे collect किया जाता है? Survey करके. ठीक है, data कैसे collect किया जाता है? Survey करके. ठीक है, सपोज किसी आपने एनसीईआरटी में कई जगह पढ़ा होगा 9th 10th में. ठीक है, किसी कॉलोनी में गए और प्लांट्स का सर्वे कर रहे हैं ना, कि तुम्हारे घर में कितने पौधे लगे हैं, तुम्हारे घर में कितने पौधे लगे. ठीक है, तुम्हारे घर में तुलसी के कितने पौधे लगे हैं, इस तरीके से कुछ सर्वे करके डेटा आप कलेक्ट करते हो. तो शायद कभी ऐसा डेटा कलेक्ट हो जाए जिसकी जब हम ग्रुपिंग करें तो मीन मीडियन मोड कैसा आ जाए, सेम आ जाए. आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. तो ये किस पे डिपेंड करता है, मीन मीडियन मोड किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ द डेटा पे. ठीक है, तो सुनिए, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका है. मीन मीडियन मोड ऐसे नंबर्स हैं जो बताते हैं डेटा किसके आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसको सेटिस्फाई कराने के लिए. मैंने ग्रुप डेटा तो नहीं लिया है, मैंने अनग्रुप्ड ही लिया है, लेकिन मैं क्लास 11th का आपको एक एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. समझिए जरा, ये क्लास 11th में आप इस क्वेश्चन इस डेटा को पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए ये बैट्समैन ए और ये बैट्समैन बी है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बैट्समैन ए ने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच इसने खेले और 10 मैच बैट्समैन बी ने खेले. ठीक है, तो ये स्कोर किया किसने, बैट्समैन ए ने, और ये स्कोर किया बैट्समैन बी ने. ठीक है, देखिए बैट्समैन ए ने 117 भी बनाया, शतक भी लगाया इसने, सेंचुरी भी. ठीक है, तो आप तो ये सोच रहे हो ये बैट्समैन बहुत बड़ा अच्छा है ना, चलो इसको हम अब सेलेक्ट करते हैं इस बार. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि किसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, क्या किसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है. लेकिन स्टूडेंट्स, अब आप इसकी सेंट्रल टेंडेंसी नापोगे, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करोगे. सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के कितने तरीके हैं, मीन मीडियन और मोड. देखिए ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये अनग्रुप्ड है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो जब हमने इसका बैट्समैन ए का मीन निकाला, ये देखिए बैट्समैन ए का मीन निकाला 53 आया, बैट्समैन बी का मीन निकाला तब भी 53 आया. फिर हम एकदम परेशान हो गए, हमने कहा यार मीन तो दोनों का सेम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसका सेंट्रल टेंडेंसी सबसे अच्छा है, यानी कि किस पे भरोसा करें, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है. तो हमने क्या किया, हमने मीडियन निकाल लिया दोनों का, मीडियन भी सेम आ गया. तो आपने देखा मीन और मीडियन डेटा का क्या आ गया, सेम आ गया. ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द डेटा पे. तो आप क्लास 11th में सुनिए क्या पढ़ेंगे, आप क्लास 11th में ये पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे हम. क्या निकालेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन. क्योंकि देखिए दोनों के मीन सेम आ गए, दोनों के मीडियन सेम आ गए. तो अब आप मीन मीडियन देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंट है, किस पे भरोसा किया जाए. ठीक है ना, तो आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे बैट्समैन बी को बैटिंग के लिए भेजा जाएगा, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमने इसका क्या निकाला होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ये टॉपिक आप इस साल नहीं पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे. ठीक है, तो यहीं पे क्लास 10th में हम सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड. तो मोटी मोटी बात सुनिए क्या, कि अगर कोई ग्रुप डेटा हो चाहे कोई अनग्रुप डेटा हो, ठीक है, उसके मीन मीडियन मोड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द डेटा पे. तो यहाँ पे हमने आंसर किया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, 3 पॉइंट हमने आंसर में लिखे हुए. हमने बोला नो, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, द वैल्यू ऑफ दीज थ्री मेजर्स, द वैल्यू ऑफ दीज थ्री मेजर्स. कौन से दीज थ्री मेजर्स की बात कर रहा है, मीन मीडियन मोड के. तो वैल्यू ऑफ दीज थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी द सेम. हाउ, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डेटा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डेटा. ओके, और ये नीचे वाला एग्जांपल आपको नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, कर लीजिए.